Assalamu alaikum kids, open your maths books and copies. Today we start our lecture, unit number 1, introduction of set, page number 3 and 4. Exercise number 1A, start with me. Sets, सबसे पहले हम sets पता करेंगे sets होते क्या हैं. अब simple values लिखना, उन्हें तो just हम numbers वगैरह में count कर सकते हैं, लेकिन proper bracket के अंदर कोई भी value लिखना और commas के साथ, तो ये जो इसके अंदर चीज होती है elements होते हैं, इनको हम elements या members बोलते हैं. और जब हम bracket place कर देते हैं इनके तो इसको हम सेट्स बोलते हैं. और सेट अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, एक कलेक्शन होता है जो कि ब्रैकेट से प्लेस किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सरसाइज 1 है. क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट वेल डिफाइंड सेट्स. अब वेल डिफाइंड सेट्स कौन से होते हैं? वेल डिफाइंड सेट्स वो होते हैं जो कि आप बता सको कि सेट्स में जो एलिमेंट्स उन्होंने आपसे पूछे रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप क्या बता सकते हो या नहीं बता सकते. अगर आप बता सकते हो, आपको पता हो, तो इसका मतलब है कि वो वेल डिफाइंड. अगर नहीं बता सकते तो वो वेल डिफाइंड नहीं होते. फर्स्ट आपके पास सेट ए है, वहाँ पर लिखा हुआ टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान. तो ये तो हमें पता है कि स्टार्टिंग से अब तक कितने पाकिस्तान के कैप्टन आए हैं टीम्स के, तो वो हम इजीली बता सकते हैं. तो इट इज़ वेल डिफाइंड सेट्स. अच्छा, ये अगर होता कि टेस्टी फूड आइटम्स, तो डिफरेंट टेस्टी फूड आइटम्स होते हैं, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, तो डिफरेंट होता है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ पी इक्वल्स 1 2 3 4 एंड क्यू इक्वल्स ए बी सी एंड डी, तो राइट द सिंबल्स ई और ई नॉट इन ब्लैंक्स. अब आपके पास पी में उन्होंने एलिमेंट्स आपको दिए हैं 1 2 3 एंड 4 और क्यू में है अल्फाबेट्स ए बी और सी और डी. ठीक है, अब आपको उन्होंने पूछा है आपसे कि ना ये एलिमेंट्स हैं या नहीं है, तो आप लोग अगर एलिमेंट्स होंगे तब आप ई साइन लिखोगे, अगर एलिमेंट्स नहीं होंगे तो आप ई नोट लिखोगे. फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन 2 ब्लैंक पी. अब आपने पी सेट्स में चेक करना है कि क्या 2 मौजूद है. 2 है अगर एलिमेंट या मेम्बर है 2 इसका, तो यहाँ पर एलिमेंट ई साइन आएगा. अगर एलिमेंट नहीं है तो ई क्रॉस ई नोट. तो यहाँ पे अब आप पी में देखो, यहाँ 1 2 2 मौजूद है, इसका मतलब ये एलिमेंट है. इसके बाद नेक्स्ट है क्यू. पी सेट में उन्होंने कहा है कि ए सेट ए अल्फाबेट मौजूद है या नहीं है. पी में तो सिर्फ न्यूमेरिक नंबर्स हमें दिए हैं, यहाँ पे अल्फाबेट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट. क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. अब आपने एलिमेंट्स जो आपसे पूछे गए होंगे आपने उनको सेट में लिखा है. ऑल्सो नेम द सेट्स ए बी सी एट्सेट्रा. आप उसको सेट को कोई भी नेम दोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से, ए टू जेड में से कोई भी आप नेम दे सकते हो. बस आपका क्वेश्चन है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10. अब काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट हुई काउंटिंग 1 2 3 4 और ओवरऑल सारी काउंटिंग जब काउंटिंग नंबर होती है. अब उन्होंने आपको कहा कि काउंटिंग नंबर लेस देन 10, लेस देन मीन कम, तो आपने 10 से कम वाले नंबर्स लिखे हैं. आपने क्या करना है, कोई भी अल्फाबेट आप लोग लिख लोगे, ए बी सी जो भी आपका दिखा है, सी एन एम दे दिया हमने, इसको इक्वल साइन प्लेस किया, ब्रैकेट्स डाले. जब भी हमने सेट में लिखना होता है हम पहले ब्रैकेट्स प्लेस करते हैं, उसके बाद उन्होंने एलिमेंट्स हमें कहा था कि लेस देन 10 काउंटिंग. काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये हमारे पास सेट आ गया. अब 9 तक किसी का, क्योंकि लेस देन 10 हमने बोला था, तो आप लोगों ने क्वेश्चन 1, 2, 3 इसके सारे के सारे पार्ट्स आप लोगों ने कॉपीज पर नीटली मेंशन करने और नोट करने. अल्लाह हाफ़िज़.